तो ये आप लोग को जो कार दिख रही है, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, और जो कि एक वीडियो में बहुत सारा कार आप लोगों को दिखाए थे, वो कार में ये भी थी, और जो कि उसमें वो दो चार कार थी, जैसे कि दो चार पांच जैसे कि कार थी, और उसमें ये भी कार थी। इसके बारे में मैं आप लोग को बताया भी थे, जो कार आप लोग को जैसे जैसे कार के बारे में बताए थे वैसे वैसे कार के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो ये कार के हम साथ बताए थे कि ये कार को हम लोग तोड़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारा जो पहली वाली कार आप लोगों को जो दिखाए थे उसको हम लोग बनाएंगे अच्छी तरीके से। ये वाली जो कार है इसको हम बहुत बुरी तरीके से तोड़ने वाले हैं, जो कि इसका सारा सामान तोड़कर और मैं रख लूँगा, जो कि जैसे कि इसको बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बनाएंगे इसका, अभी फ़िलहाल सामान पूरा तोड़ेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये इसको कार को तोड़ते हैं। तो वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट इसे तोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से गैस देख सकते हैं, ये कार के बारे में थोड़ा सा फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जो यहाँ पे आप लोग को ये वाला गियर जो दिख रहा है पीला कलर का, ये गियर मैं उस वीडियो में बताया था, जो कि बहुत पावरफुल होता है, और इसको भी निकालने वाले हैं यहाँ से। और ये वाला जो गियर को बताया था ये भी पावरफुल होता है, ये वाला गियर पावरफुल इसका होता है। और यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसे है, जो कि स्टीयरिंग जो इसका होता है ऐसे और ऐसे वाला नहीं है गाइज, इसका जो स्टीयरिंग है ऐसे और ऐसे है। जैसे कि ये कार अगर सीधा यहाँ पर रहेगी तो इसको मुड़ना रहेगा तो इधर ऐसे मुड़ेगी, और अगर इधर मुड़ना रहेगा तो यहाँ से ऐसे कुछ मुड़ेगी, और गाइज आगे जाएगी और पीछे आएगी, यहाँ पे आगे इधर उधर भी जा सकती है। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट जैसे कि तोड़ते हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं करते हैं इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट तोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ से जो कैंची है ये, यहाँ से पहले हम आगे वाला गियर को निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ से ये वाला तार को छुड़ा लेते हैं गियर का, और ये वाला तार छूटा हुआ है, और यहाँ से जो जितना ग्लू गन है पूरा जैसे कि बहुत छोटा से छोटा सामान को यहाँ से हम लोग अलग अलग पूरा कर देंगे। जो ग्लू गन है उसको मैं छुड़ाऊँगा। तो यहाँ से अब ये वाला जो वो इस यहाँ पे पल धागा काट लेते हैं इसका, तो गाइस इसका फटाफट हम लोग धागा काटते हैं। यहाँ से चक्का निकल चुका है, निकाल देते हैं इसको, और यहाँ से इसको भी निकाल लेते हैं गैस। देख सकते हैं ये देख सकते हैं गैस, जैसे कि ये आप लोग को जो होल दिख रहा है इसी होल में ये इसमें डालकर यहाँ पे, और उसके बाद जो होल आप लोग को दिख रहा था यहाँ पे ये वाला जो होल उसके अंदर इसको डाल देते हैं, और यहाँ से ये वाला चक्का को फंसा देते हैं, उसी में ये फंसा रहता है ये चक्का, तो इसके ही बल पे नाचता है ये चक्का यहाँ पे इसके बल पे। और ये गियर है गाइस देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा पावर लगता है इसको यहाँ पे ऐठने में, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पावर लगता है। तो गाइस यहाँ से इसको धागा को हम लोग काटते हैं फटाफट और गियर को निकालते हैं। और गाइस ये जैसे कि कार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों तोड़ रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अगली वीडियो में बताए थे रिमोट नहीं था मेरे पास, तो इस टाइम भी रिमोट नहीं है, लेकिन अगर रिमोट मिलेगा तो ये जितना कार आप लोगों को दिखाए थे ये सारा कार को मैं जो कि बनाएंगे, जो कि घर पे ही बनाने वाले हैं, तो सारा कार बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग उखाड़ते हैं कुछ इस तरह कर कर, जैसे कि पहले यहाँ से बैटरी निकालते हैं यहाँ से, बस देख सकते हैं इसका जो कि टेपिंग वोपिंग पूरा अच्छी तरीके से किया गया है, जैसे कि टूटने का थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगा इसमें, फिर भी इसको बढ़ियाई से तोड़ना पड़ रहा है, जैसे कि इसको पूरा तोड़ कर हम लोग, और जैसे इसका रिमोट मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, तो इसको बैटरी को हम अलग करते हैं। और गैज ये वाला टेप को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, अब यहाँ से गैज हम, और गाइस यहाँ से इसको हम निकालते हैं हम लोग। गाइस बहुत हार्ड पकड़ा हुआ है गाइस, जैसे कि लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से निकलेगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड पकड़ा हुआ है, अगर ज़्यादा हम लोग जोर इस पर लगाएंगे तो ये गियर ख़राब भी हो सकती है। तो गाइस यहाँ से उखड़ चुका है ये, इसको हम लोग उखाड़ चुके हैं यहाँ से। तो गाइज इसको तो उखाड़ लिए हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे ग्लू गन भी इसका उखड़ चुका है, इसको भी रखते हैं साइड में फिलहाल, और यहाँ से थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। और गाइज देख सकते हैं ये मोटर है, इतना ही छोटा, ये जो आप लोग को इतना छोटा दिख रहा है यही गियर है गाइज, यही गियर जो कि चलाता है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें पावर होता है, तो इसको भी फिलहाल अभी हम लोग रखते हैं साइड में। और यहाँ पे इसको, और यहाँ से अब
ये सर्किट रह गई है, गियर रह गया है और ये बीच में सपोर्ट के लिए हम लोग इंजन लगाए हुए थे, तो यहाँ से ये वाला धागा भी काटते हैं। और जैसे अगर आप लोग सोच रहे होंगे धागा मैं क्यों बनाऊँ, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि धागा बहुत ही मजबूत रहता है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि एक द्वारा दो द्वारा अगर धागा को लपटेंगे तो क्या ही मजबूत रहेगा, लेकिन गाइज एक द्वारा दो द्वारा से नहीं होता है। अगर इसको आप 10 से 20 द्वारा अगर लपेट देते हैं किसी जो कि जगह पे और उसके ऊपर ग्लू गन या फेविक्विक लगा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है गाइज। तो यहाँ से इसको भी हम लोग उखाड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको भी उखाड़ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं इसमें दो दो इंचिन लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं दो दो इंचिन है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा दो दो इंचिन इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे सर्किट है तो सर्किट को भी इस पे से उखाड़ लेते हैं, तो यहाँ पे सर्किट को भी इस पे इसके ऊपर से उखाड़ लिए हैं। यहाँ से पूरा सर्किट को साफ़ कर लेते हैं, ये सर्किट हम लोग का पूरा साफ़ हो गया है और इसको भी रखते हैं यहाँ पे। और गाइस देख सकते हैं ये सर्किट पूरा साफ हो चुका है और यहाँ से ये गियर रह गया है, तो ये देख सकते हैं इसका भी ग्लू गन हम लोग उखाड़ते हैं इस पे से। तो गाइस देख सकते हैं इसका भी ग्लू गन हम लोग उखाड़ रहे हैं यहाँ से, जो कि पूरा ग्लू गन इसका भी उखाड़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बस रह गया है, पूरा उखड़ चुका है गाइस। तो ये गियर भी, इसके बारे में तो मैं पहले से भी बता दिया हूँ और अभी कुछ देर पहले भी बताया हूँ और पहली वाली वीडियो में भी बता दिए हैं, जो कि ये गियर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गाइस। जो ये गियर होता है 3 ही बोल्ट से चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ से इसका चक्का भी निकाल लेते हैं, तो देख सकते हैं चक्का निकाले हैं लेकिन इसका जो इसमें गियर के अंदर जो लगा रहता है वही निकल चुका है, तो यहाँ से इसको भी घिसते हम लोग, तो यहाँ से इसको भी निकाल चुके हैं और यहाँ से ये वाला नहीं निकला हुआ है, जैसे कि ये वाला बहुत ही हार्ड तरीके से इसमें पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से टेपिंग को पहले हटाते हैं। तो गाइस ये निकलने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ से इसको निकालते हैं टायर से। तो गाइज ये भी निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है गाइज, तो गाइज इसको हम बाद में निकाल लेंगे। लेकिन गाइज आप लोग ये कार को देख रहे होंगे जो कि पूरा हम जैसे कि इसको तोड़ चुके हैं, और ये गाइज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो कि रिमोट मिलते ही मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊँगा कार को, और दूसरे दूसरे डिज़ाइन में भी बनाने वाला हूँ। एक ही डिज़ाइन से नहीं बनाएंगे, जिस तरह बनाए थे उस तरह नहीं बनाने वाले हैं, अलग तरीके से बनाएंगे। लेकिन हाँ गाइज रिमोट मिल जाएगा तो ये कार को ज़रूर बनाएंगे हम लोग, पक्का बनाएंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, और गाइज अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो जैसे कि वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो गाइज ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि पूरा मैं कार को आप लोगों के सामने तोड़ कर दिखा दिया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कार अच्छी तरीके से तोड़ दिए हैं। और यहाँ से ये वाला जो सिस्टम देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे इसके अंदर नहीं कुछ होता है गाइज, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये गियर छोटा सा होता है, तो गियर यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से लगा रहता है, यहाँ पे इसी तरह इसमें चक्का हो जाता है, तो ऐसे ऐसे कर नाचता है, यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ भी कर रहा होगा। तो इसको निकालते हैं हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, जो कि इतना ही सामान से हम लोग का जो कि बहुत बड़ा और भयानक जो कि कार बन सकती है, जो कि अभी जो कि तोड़े हैं तो वो कार ही बनाए थे। तो गाइज इसी तरह एक आध और भी कार बना सकते हैं, तो गाइज आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।